इस सरकार के अंदर ही आपस में एक दूसरे के प्रति गतिरोध है। जब से सरकार का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आपने देखा, विधानसभा के फ्लोर पर देखा, बहस में देखा, व्यक्तिगत टिप्पणियों में देखा, अखबारों में जिस प्रकार का कमेंट्स किया उससे लगता था कि सरकार के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, और आज उस अंतर्द्वंद का पटापेक्ष हो गया है ना। हम लोगों के ऊपर चाहे जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मैंने एक ही बात कही थी कि आप लोग अगर कुछ है तो अपने घर की फूट से ही मरने वाले, और आज ये स्पष्ट हो गया कि डिवाइड एकदम वर्टिकल डिवीजन हो गया पार्टी का, और पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, इसी तरह से यहाँ का जो यूथ का विंग का है वो अध्यक्ष है, बाकी सारे लोग जो है ना पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तो मेरी केवल आपके माध्यम से इतना है कि इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कितने। हमारा अभी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए, वो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अगर वास्तव में आपके साथ बहुमत है तो फ्लोर पे इसको पहले तय करा लो, उसके बाद फिर आप जैसा भी मंत्रिमंडल बढ़ाना चाहो आपके अधिकार क्षेत्र का होगा। बिना आज की तारीख में फ्लोर पर अपने बहुमत साबित किए हुए केवल और केवल आप मंत्रिमंडल का एक तरह से झूठा आश्वासन देकर के या लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग अगर करके आप अपना बहुमत साबित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा उदाहरण नहीं होगा। पहले फ्लोर पे टेस्ट पर आप अपना बहुमत साबित करें, और उसके पश्चात आप किसको क्या बनाना चाहे ये आपके अधिकार क्षेत्र में वो आप करें।